सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने आपकी भर्तियों से संबंधित कुछ सूचनाएं लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैंने चार भर्तियों के संबंध में जो तिथि जारी की गई थी आरपीएससी के द्वारा, उसके बारे में सूचना दी थी। वहां भी मैंने आपको कहा था कि अब भर्तियों को अनलॉक किया जाएगा। कोरोना महामारी में केस घट रहे हैं, उसको देखते हुए अब आपकी भर्तियां होने वाली है, तो आप कमर कस लें, तैयारी रखें। इसी दिशा में ईडब्ल्यूएस के आवेदन शुरू हुए हैं, कुछ भर्तियों के संबंध में शुरू हुए हैं और कुछ भर्तियों के संबंध में आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे, उनकी सूचना आपको तब दे दी जाएगी। अब कौन कौन सी भर्तियों में ये आवेदन शुरू हुए हैं उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान एसआई। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईडब्ल्यूएस के आवेदन प्रारंभ किस में तो स्टार्ट हो चुके हैं और किस में स्टार्ट होंगे आने वाले दिनों में, इनकी तिथियां भी जारी की जाएगी। जैसे किन में स्टार्ट हो गए हैं, कॉलेज शिक्षा सहायक आचार्य, इसके पद 918 है, 918। 23 जून तक इसकी तिथि डिक्लेयर की गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कौन? ईडब्ल्यूएस। प्रधानाचार्य प्रवेशिका विद्यालय 83 पद है, 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। राजस्थान एसआई, ये सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी मानी जा रही है राजस्थान के संबंध में, 859 इसकी पोस्ट है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि डिक्लेयर की गई है ये 23 जून। तो ध्यान से अपने फॉर्म को सबमिट करें और तैयारी में जुट जाएं। जो अन्य भर्तियां हैं उनमें भी ईडब्ल्यूएस के आवेदन प्रारंभ होंगे, लेकिन इनकी तिथि जल्द ही राजस्थान सरकार जारी करेगी और जिस दिन जारी करेगी आपको बता दिया जाएगा। इनमें है जैसे पटवार 4421, कनिष्क अनुदेशक 39, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 82, वनपाल व वन रक्षक 1128। तो ये जितनी भी भर्तियां हैं, इस संबंध में मैं एक टीचर होने के नाते यदि आपको कहूं तो इनका सिलेबस लगभग एक जैसा सा ही होता है, लगभग एक जैसा ही। अपनी तैयारी में जुट जाएं और इतिहास रचते हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो अपनी तैयारी में लगे रहें और लगातार उसको धार देते रहें। इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।